हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो मोबाइल का लाइफ थंबनेल कैसे बना सकते हैं, किसी भी टाइप का थंबनेल। तो सबसे पहले जो है ना, मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पर कर लेता हूँ इंपोर्ट, फिर इस पे फिल्टर लगाने और ब्लर, मोशन ब्लर सही है इसको, नहीं एंगल इसका 0, हाँ 50। फिर उसके बाद जो है ना, करेक्टर को इंपोर्ट मारते हैं। फिलहाल करेक्टर को साइड पर रखते हैं, सही है ना। ग्रेडियंट फिल कलर ब्राउन करते हैं, ये ब्राउन कलर सही है ना, डार्क थोड़ा सा वैसा करना है। ये वाला ब्राउन सही है, सही है, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। उसके बाद हमने जो है ना, इसको कर देते हैं रेडियल रिवर्स एंड इसकी भी 201। हाँ ये सही हो गया, सही है ना। तो ये ब्लू शेड क्यों दे रहे हैं, इसको हटा दो, सही है। नीचे की तरफ ड्रैग करोगे ना, खुद ही हट जाएगा। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी सेट कर लेते हैं। एंड अब हमारी बारी है करेक्टर की। करेक्टर की यहाँ पर राइट क्लिक, दो बार क्लिक करोगे ना, ये खुल जाएगा लेयर स्टाइल। आउटर ग्लो देते हैं इसको ब्राउन, वही ब्राउन से कलर की इसको आउटर ग्लो देंगे। एंड सेम इनर ग्लो, ब्राउन कलर की इनर ग्लो भी इसको दे देते हैं, काफ़ी हैवी वाली लुक देगा। अभी आउटर ग्लो थोड़ी बढ़ाते हैं, इनर ग्लो जो है ना, वैल्यू शैल्यूज देख लो, सही है। अब सेम स्ट्रोक दे देना इसको, वही ब्राउन कलर का। स्ट्रोक की ओपेसिटी, बल्कि स्ट्रोक को छोड़ देते हैं, स्ट्रोक बगैर ये सारा सही लग रहा है, सही है ना। उसके बाद सारा सीन हो गया इसका, ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ, सही है ना। उसके बाद जो है ना, तुम लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में PSD फाइल दूंगा, उस पर ये इस टाइप का ना टेक्स्ट होगा एक। तो इसका मैं नाम चेंज करके टॉक्सिकेटर रख देता हूँ, सही है। एंड कलर इसका ब्राउन, यहाँ से ब्राउन कर देना है। एंड इसके ये खोल के ना, अब इसके आउटर ग्लो वगैरह हम चेंज कर देंगे, ब्राउन कर देंगे, लाइट ब्राउन। इनर ग्लो भी लाइट ब्राउन। एंड ग्रेडियंट ओवरले में भी सेटिंग्स देख लो, सारी सही है। ब्राउन एंड ब्राउन। उसके बाद ना, फिर कलर इसका चेंज नहीं हुआ, बस सही है। इसका कलर चेंज करते हैं, कलर इसका कर देते हैं ब्राउन। ये हमारा टेक्स्ट बन गया। अब टेक्स्ट जो है ना, थोड़ा सा ये ऊपर वाली जगह है ना, इसको लाइट कर देना है। अभी ये लाइट कर देना। एंड ये हमारा टेक्स्ट बन चुका है ना, हम इसको जो है ना, हाँ ये इसको इधर ही रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा ऑल्ट दबा के ऊपर कर रहे हैं एंड पिछले वाले टेक्स्ट के नीचे रख देना है। उसके बाद ना थोड़ा सा लेवल कर लेंगे इसका, और इसका ड्रॉप शैडो यहाँ पर बंद कर देंगे, सही है। एंड फिल को यहाँ पर इसकी 0 कर देंगे। एंड ये हमारा टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट हमारा बन गया ये। देख सकते हैं कैसे तरफ डायरेक्ट, जैसे हमने नीचे पहले बॉस GFX वाले। फिर हम इसको खोलते हैं, इन शेडोज की ऑन करके ना, थोड़ा सा ये देखो कितनी हैवी लुक दे रहा है इसके। इसको कॉपी करके ना थंबनेल लिखते हैं, भी डबल क्लिक करेंगे। इसके भी हम इनर ग्लो वगैरह सब कुछ वाइट कर देने, आउटर ग्लो वाइट एंड ड्रॉप शेडो ब्लैक। इसको भी यहाँ से वाइट,
यहाँ से थोड़ा सा लाइट वाइट ग्रे टाइप सा, सही है ना। इसका कलर हम यहाँ से चेंज करके वाइट। उसके बाद हम चलते हैं इसके ग्रेडियंट ओवरले की तरफ। यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले, इसको थोड़ा ऐसे करके सेट कर देते हैं 2 मिनट, नीचे इसको भी नीचे एंड इसको भी नीचे कर देते हैं। उसके बाद ना इसको भी आल्ट करके इसको नीचे की तरफ लाते हैं हम, इसको नीचे की तरफ लाते हैं एंड इसके भी हम ड्रॉप शेडो को बंद कर देंगे एंड इसकी फिल को हम कर देंगे 0। उसके बाद ना हम न्यू यहाँ पर एम्प्टी लेयर बनाएंगे एंड ये जो टेक्स्ट ये वाला है ना, ये पीछे वाली साइड पे, इन दोनों को कंट्रोल ई करके ना मर्ज कर देंगे एंड न्यू लेयर। ये किधर गया दूसरा वाला, टॉक्सिकेटर की कॉपी जो थी, हाँ ये, इन दोनों की भी यहाँ पर कंट्रोल ई करके मर्ज कर देना है। उसके बाद ना इन दोनों लेयर्स को पकड़ते हैं किधर की, हाँ इन दोनों लेयर्स के पकड़ के इसको हम कर देते हैं लीनियर डॉच, सही है ना। एंड इस ये सब कुछ करने के बाद इन दोनों लेयर्स को दोबारा पकड़ के इसकी फिल को हमने कर देना है 50 एंड इस टाइप का लुक दे देगा तुम्हें। इसके बाद ना हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद ना इधर मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ एंड टेक्स्ट की लेयर को पकड़ते हैं किधर की, टेक्स्ट को पकड़ने एंड इसको भी कर देते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड इस वाले टेक्स्ट को भी कर देते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ना हम सारे ये टेक्स्ट है ना, इन सारे टेक्स्ट का हम पकड़ेंगे एंड कंट्रोल जी करके ना एंड अब इसको कंट्रोल टी करके एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे करके। उसके बाद ना मैं ऑल्ट शिफ्ट एंड कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो इन सब की जो है ना एक लेयर बन जाएगी सारी चीज़ों की। तो इसको जो है ना हम कर देते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड फिल्टर में जाके ना कैमरा रॉ फिल्टर में चले जाते हैं। लोडिंग एंड इसके यहाँ से हम कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड इसको टेक्सचर को थोड़ा सा 30 के करीब कर देंगे। उसके बाद ना हम इसकी क्लैरिटी को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा एंड इसकी इसको छोड़ के कर्व की तरफ आ जाते हैं। इस कर्व को हम नहीं छेड़ना, इस वाली कर्व की तरफ चलेंगे एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इस वाली साइड को थोड़ा सा नीचे कर देंगे और यहाँ से इसको हम थोड़ा ऊपर की साइड पे कर देंगे एंड इसका काम हमारा हो गया कम्प्लीट। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। शार्पनिंग को हम इसकी कर देंगे तकरीबन 20 कर देंगे एंड इसकी मास्किंग को आल्ट दबा के ना इसको फुल एंड तक कर देना है। उसके बाद हम इसके चले जाते हैं इसको बंद करके कैलिब्रेशन की तरफ एंड इसको हम थोड़ा सा इसका बढ़ा देंगे एंड ये रेड की ह्यू को कम एंड इन दोनों को भी -12 एंड 10 कर देंगे एंड अब कर देते हैं ओके। सो ये हमारा फाइनल थंबनेल बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।